जो शराब नीति अभी हमारी सरकार की है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं खामी है जिसके चलते ये सब बातें हो रही है। किसी कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए तो शराब नीति को उन समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। नमस्कार, न्यूज पेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ श्वेता मिश्रा। बिहार में जहरीली शराब से मौत की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। एक बार फिर ऐसा हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार यह घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में हुई है। इसके बाद उनके विरोधियों से लेकर अपनों तक सवाल खड़े कर रहे हैं जीतन राम मांझी। एक बार फिर शराबबंदी कानून हटाने की मांग कर रहे हैं। पहले आप उनकी ये बाइट सुनिए। जैसे बिहार शरीफ में विषैली शराब सेवन के चलते हत्या मृत्यु हो गई है, कुछ लोग 5 बतलाते हैं, कुछ लोग 8 बतलाते हैं, कुछ लोग घायल भी हैं। इसी प्रश्न पर हमसे बातचीत हुई तो हमने कहा कि ये बिहार शरीफ की घटना कोई नई घटना नहीं है, गोपालगंज में भी घटना घटी है, समस्तीपुर में भी घटी है, मधुबनी में भी घटी है, आए दिन ये घटनाएं घटती रहती है। और इसका मतलब साफ है कि जो शराब नीति अभी हमारी सरकार की है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं खामी है जिसके चलते ये सब बातें हो रही है। तो इस चीज़ को, शराबबंदी का जो यह कानून है, उसमें बहुत पहले भी हमने कहा था कि इसमें समीक्षा होनी चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है कि ये तो गरीब लोग पी करके मरते हैं, और केस मुकदमा भी होता है तो गरीबों पर ही केस मुकदमा हो जाता है, और वही लोग आज प्रायः चाहे तो कार्रवाई में हैं या नहीं तो जेल में हैं। और जेल में सुप्रीम कोर्ट का मामला भी है, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी मामला है कि वो लोग बिहार सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है कि इतना केसेस है शराब से संबंधित कि सारे जजेज उच्च न्यायालय के उसी में लगे हुए हैं, और दूसरा केस होता है अगर जमानत का भी केस होता है तो उसकी पारी साल भर में आती है, ये तो उचित नहीं है। और फिर 40 केस में बिहार सरकार ने अपील किया था, वो अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्पष्ट है कि जनता तो तराह तराह कर ही रही है, सुप्रीम कोर्ट और मन न्यायालय भी इस मामले में अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रही है। और दूसरी बात कि भाजपा जो मेजर हम लोगों का सहयोगी हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के सरकार चलाई जा रही है, उन लोगों का मुखिया भी कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो मिल बैठ कर के इसको आपस में तय करना चाहिए और इसको पुनर्विचार करना चाहिए। फिर हमने ये कहा कि जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनः समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। इसलिए नीतीश कुमार को हम लोगों ने सजेशन किया है, दिया है, और मिल करके ही बात करना चाह रहे थे। हम 2 बार समय उनसे मांगा लेकिन नहीं मुलाकात हुई। और ये भी कहना चाहते हैं हम कि साहब, आप कानून बनाए हैं, अच्छी कानून है, शराबबंदी होनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है इसको ज़रूर समझना चाहिए। और इससे पुलिस का जो व्यवहार है संदेहात्मक है, वो लोग इसमें पैसा ले करके बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को नाम गिनाने के लिए कि मामला हमने तय किया है, दर्ज किया है, दर्ज कर देते हैं, और जिससे कि हमारे किया है, दर्ज किया है, दर्ज कर देते हैं, और जिससे कि हमारे गरीब लोग परेशान हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी से हम लोग अनुरोध किया है और करते हैं और करेंगे भी अगर मुलाकात होती है इधर तो, कि आप शराब का जो नीति आपका 2016 का है उसमें को आप समीक्षा कीजिए। तो आपने सुना, जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है, जब केंद्र से कृषि कानून की वापसी हो सकती है तो बिहार से शराबबंदी कानून क्यों नहीं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।